पंचायती चोणां नूं लैके तुसीं अक्सर ही सरपंची दे उम्मीदवारां दे विच तकरार हुंदी सुनी होणी, पर इत्थे सरपंची दे उम्मीदवारां दे पिछे भरा भरा ही एक दूजे दे दुश्मन बन गए ने। जी हाँ, दस दईए कि एक भरा नूं दूसरे सरपंच उम्मीदवार की सपोर्ट करनी महंगी पै गई है, तो भतीजे ने घर दे विच वड़ के अपने चाचे दियां गुस्से दे विच उंगलां वड़ दित्तियां ने, जिसनूं कि हुण इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ सपोर्ट कर रहा है, तो वह किसी होर उम्मीदवार नूं सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण उन्होंने पहला घर तो बाहर लड़ाई हुई। फिर बाद दे विच उसके भतीजे ने जो इस गल का पता लग्या तो वह घर दे विच वड़िया तेज़धार हथियारों के नाल लैस होके तो उसने अंदर वड़दे सार ही पहला तो कुटमार की, तो फिर गुस्से दे विच आके उसने तलवार दे नाल हमला किया, जिस तों बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो गया। तो लुधियाना के पिंड डल्ला तो यह मामला सामने आया। फिलहाल जख्मी हालत दे विच चाचे नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया, तो पुलिस नूं भी हुण सूचित कर दिता गया। मौके दे उत्ते पुलिस पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भतीजे ने हमला की नाम ओदा गोरा। अच्छा, तो तीन उंगलों किनिया उंगलों वड्डियां गई तुहाडियां? अच्छा जी, तो हुण सिविल अस्पताल आए हो? ठीक है, ये भतीजा ही है तुहाडा? सगा भतीजा की करता? नशा करता। किन्नी उम्र ओदी? ठीक है, पुलिस नूं सूचित किया? नहीं, ठीक है, हुण करोगे? ठीक।